हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि दी आपका घर सेट हो गया है तो दिखा दीजिए। तो अभी मेरा किचन लगभग सेट हो गया है, तो मुझे लगा कि मैं अपना किचन जो है वो आप लोगों को दिखाऊँ कि किस तरीके से मैंने अपने किचन को अरेंज किया है। कल सारा डिब्बा वगैरह बर्तन तो परसों रख लिया था, डिब्बा वगैरह कल रखा था मैंने, तो मुझे लगा कि आज आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने अरेंज किया है। तो चलिए, यहाँ पे हमने फ्रिज रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे हमने फ्रिज रखा है। इसके बाद इधर सिंक है, और इसके बाद ये आ जाता है स्लैब्स। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव सेट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे रहते थे तो इसे बिल्कुल हटा दिया था हमने, तो इसका कुछ यूज़ नहीं होता था। तो यह अब थोड़ा बहुत यूज़ हो जाएगा। वैसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती माइक्रोवेव का। और यहीं पे मेरे हस्बैंड ने बोर्ड लगा दिया है, तो यहीं से इसका प्लग, इसमें प्लग इन करके ये माइक्रोवेव चल जाएगा। यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा रखा है, और मेरे किसी फ्रेंड ने बोला है कि इसे आप चिपका के रखोगे तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा यहाँ पे, बट ये पाइप है, पाइप की वजह से नहीं जाता है, पीछे एक साइड जाता है, एक साइड नहीं जाता है, इसीलिए मुझे बीचों बीच रखना पड़ा इस गैस को। उसके बाद अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे पानी का बिसलेरी की बोतल रख रखा है, क्योंकि पीने के लिए हम यही यूज़ कर रहे हैं। और आज हमारा वाटर प्योरीफायर फिल्टर लग जाएगा आरो, तो इसे हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे भी स्पेस बन जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा अभी खाना है, चाय बनाया मैंने वो है, और पूरा स्लैब देखिए खाली है। और यहाँ पे ये है मेरा सिंक भी काफ़ी अच्छा बड़ा है। तो चलिए अब आते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ पे रैक की बारी। तो यहाँ पे मैंने चावल आटे का डिब्बा रखा हुआ है, पहले चावल, ये देखिए पहले चावल का है, फिर आटे का है। बगल में थोड़ा सा स्पेस बच गया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ रख दिया है। इसे करते हैं बंद। अब आते हैं इसमें कटोरी, गिलास, कप वगैरह ये सब रखा है मैंने। और ये मैं लोनावला से लेके आई थी चीनी मिट्टी का, इसमें अचार, नमक कुछ भी रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये चीनी मिट्टी का ये, तो इसमें रखेंगे ये। उसके बाद नीचे प्लास्टिक के जो भी आइटम है, प्लास्टिक का सामान, ये एक रखा हुआ है, इसे हटा दूंगी मैं। प्लास्टिक का जो डब्बा है स्टोरेज फ्रिज में रखने के लिए, वो सब इसमें रखेंगे। मैगी है, इसे भी हटाना है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले में। तो नीचे वाले में जो भी मेरे पास पैकेट है अभी, जो ओपन नहीं किया है मैंने, और एक दो ओपन भी है, उसमें क्लिप लगा के इसके अंदर रख दिया है स्टोरेज के लिए, ताकि किचन का सामान किचन में ही रहे और मुझे इधर उधर ना जाना पड़े। इसके बाद आते हैं इस पर, इसमें कलछुल और कलछी, छोलनी, जो भी है सब्जी बनाते हैं जिससे, वो सब रखा है। इसमें स्पून रखा है, खाली स्पून है इसमें, और इसमें दो ग्लास है, कप है, और ये अदरक लहसुन कूटने वाला। और इसमें जो मैंने रखा है कैची, लाइटर, छिलनी, और ये चटनी बनाने वाला, और बेलन, ये सब रखा है इसमें। तो ये क्लियर हो गया। अब जो बड़ा वाला है, इसमें अभी मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा है, एक माइक्रोवेव का बाउल रखा हुआ है और एक कुकर रखा हुआ है, तो इसे करते हैं क्लोज। और जैसा कि पता है आप लोगों को, इसमें रखा है सिलेंडर, और इधर मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि उसे अभी करना है साफ, स्टोरेज बहुत है। फिर हम आ जाते हैं इधर, इधर भी ज़्यादा बर्तन है, मैंने सारे बर्तन ने एक्चुअली रख दिया है, जितना काम का है उतना ही यूज़ करेंगे, बाकी हम रख देंगे। तो इसमें प्लेट्स वगैरह रखेंगे, और फ्राई पैन जो भी है आ जाएगा जो, वो रखेंगे। नीचे छोटे प्लेट्स है, चकला है, ट्रे है, दो तीन बाउल है, और एक छोटी सी कढ़ाई है, ये रखा है। इसमें क्या रखा है, इसमें आरुष ने रखा है ये अचार, और ये एग रखने वाले। और इसमें तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है अभी, इसमें वैसे डस्टबिन रखेंगे, बंद बाद में कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इधर से। फर्स्ट रो
ये देखिए इसमें मैंने रखा है मसाला दानी और चीनी चाय पत्ती और पीछे है घी जो रोज़ यूज़ करते हैं वो है, और मेरा हाथ आप लोग को दिख जाएगा कुछ इस तरीके से हो गया। ऊपर देखिए ऊपर रखा है मैंने जो मुझे यूज़ की ज़रूरत की चीज़ होती है उसे मैंने ऊपर आगे आगे की साइड रखा है, बाकी सब मैंने पीछे पहुंचा दिया है, और ऊपर वाला उससे ऊपर वाला खाली है, कुछ नहीं है उसमें। अब आते हैं हम इस वाले रैक के ऊपर, तो ये देखिए इस पे भी मैंने ऐसे करा है। जो खाने वाली चीज़ें हैं नीचे, ये केला का चिप्स हो गया, ये अखरोट हो गया, पिस्ता, काजू, ये राइस पफ और ये कॉर्नफ्लैक्स, ये सब जो है मुझे यूज़ के लिए चाहिए। आरुष्का टैंग है, दाल, छोले, राजमा सब इधर पीछे रखा हुआ है, और ऊपर भी मैंने ऐसे ही रखा है जो यूज़ की चीज़ें होती हैं, दाल, मसाला, मूंगफली, पापड़, ये सब मैंने ऊपर की साइड रखा, बाकी सब पीछे साइड रखा है। और उसके ऊपर मिक्सर ग्राइंडर रखा है और चाय पत्ती है, और एक में च्यवनप्राश है, एक में है मसाला, सॉरी अचार है उसमें। तो कुछ इस तरीके से मैंने रख लिया है अपने किचन में सामान। और इसके बाद इस साइड दिखाती हूँ मैं आपको, इस साइड कुछ मैंने ज़्यादा नहीं सही रखा है। सबसे ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे यूज़ नहीं करना था वो मैंने ऊपर से सही करके रख दिया है, और लाइटिंग की वजह से दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा वो, यस। और उसके बाद यहाँ पे जो सब्जी काटती हूँ वो रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो मुझे यूज़ के लिए चाहिए होता है, ये दो अचार है, इसमें पापड़ है, ये कैसरोल है, इसे तो मैं निकालूंगी, इसमें पीडियाश्योर है, ये पिस्ता बच गया था, और इसमें जो पैकेट पैकेट वाले मसाला है वो मैंने टोकरी में करके रख दिया है। थक जा रही हूँ। और इसमें अभी कुछ भी नहीं रखा है, इसमें मैंने यहाँ पे रख दिया राइस कुकर, ऊपर चॉपर रख दिया, एग का ट्रे है, और ये मेरे हस्बैंड का कुछ 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 सामान है तो वो हटा लेंगे, और ऊपर वाला स्टोरेज जो है वो अभी खाली है, कुछ भी नहीं है। आई हूँ मैं, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया है, ये नयासा का ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा ब्रांड का है। तो ये भी मैंने किचन में रखा हुआ है, और इसमें देखिए मैंने रखा हुआ है लहसुन, आलू देख सकते हैं आप लोग, और इस पे प्याज। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स आई होप जो मेरा किचन है जिस तरीके से मैंने सेट किया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा तो फल मिलना चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा तभी मेरी मेहनत वसूल होगी। और मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अपना जो काम करते हैं ना हम, अपनी तरफ से हम पूरा बेस्ट देते हैं, और लेडीज़ का अधिकतर टाइम यहीं से में गुजरता है किचन में, तो वो जब अच्छा दिखता है ना तो मन खुश होता है, अच्छा लगता है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मुझे पता है आप लोग कमेंट बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरे हर वीडियोस में आप लोग इतने कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो का वेट करते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच, मैं बार बार यही बोलती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो का वेट करते हैं, बट मैं ही नहीं डाल पाती हूँ वीडियो, तो रियली सॉरी। और एक बहुत पता नहीं क्या बोलने वाली थी मैं, भूल गई, तो कमेंट करके तो आप बताएंगे कि कैसी लगी वीडियो, और ये जो स्टोरेज बॉक्स है ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कि कैसे लगा। इसमें आलू प्याज और कुछ भी अपना मेकअप प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मुझे रिक्वायरमेंट थी आलू प्याज रखने की, कि एक बॉक्स हो जो कवर्ड हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगता देखने में, क्योंकि ये ओपन किचन है तो आलू प्याज ऐसे रखा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने ये ले लिया। और ये मैंने कहीं ऑनलाइन नहीं लिया है, ये मैंने एक मार्ट से लिया है जाके, और इसका प्राइस 1200 समथिंग है, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे दी आपने इसका प्राइस नहीं बताया, तो इसका प्राइस है 1200 या 1300 कुछ ऐसा ही है। तो बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा, और
आई होप आज की वीडियो से आप लोग सेटिस्फाइड होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट तो करते ही हैं, और जो मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिस तरीके से आप लोग प्यार कर रहे हैं उस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।